तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ विद रोलिंग राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम आवर एसिस्टेंट गेस्ट यूरोप और कौन से कौन से ऐसे तो मैं अप्रिशिएट हमारे मेहमान को बहुत शुक्रिया कर रहे हैं कि दे चोज We can't expect our lives without fire. Fire के बगैर हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं? नहीं हो सकता. जिंदगी फायर के बगैर नहीं गुजर सकती. हम उसी तरह अगर हम गैस की बात करें तो उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है. ठीक आई बात समझ में? तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट देखे हर जगह पर और ये दुश्मन बन जाती है. और ऐसा मौका जब एक आग दुश्मन की सूरत पकड़ लेती है तो उस दुश्मन से कैसे लड़ते हैं और इस मुसीबत को कैसे टाला जाता है और इस आफत से कैसे छुटकारा पाया जाता है, प्रैक्टिकली ये चीजें दिखाने के लिए हमारे पास आज हमारे मेहमान आए हैं. तो मैं चाहता हूँ एक बार फिर से इतने जोरदार सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि ये आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि इन हालात में अगर खुदा ना खासा कहीं पे आग होगी तो इन हालात में आप क्या कैसा आपका रिएक्शन होना चाहिए, आप क्या क्या तदाबीर कर सकते हैं ताकि हम इस आग पर काबू पा सकते हैं. ये मेरे ख्याल के मुताबिक कम से कम 1000 लेक्चर्स के बराबर ये एक लेक्चर है, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पे समझने से आप कभी किसी की जिंदगी बचा सकते हैं. अगर आप ज्ञान से सुनेंगे ज्ञान से तो आप कभी आपके यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ से लेंगे कभी आपके इस इन्फॉर्मेशन से जो आप अपने पास संभाल के रखेंगे तो हो सकता है कभी आपकी इस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपके इस तजुर्बे की वजह से किसी इंसान की जिंदगी बच सकती है, कोई प्रॉपर्टी बच सकती है. तो सो ध्यान से सुनिए आप लोग ध्यान से. कोई भी बच्चा किसी भी किस्म का इंडस्ट्री क्रिएट ना करे यहाँ पे आराम से सुनिए. मेरा नाम मोहम्मद हरसमीर है, क्लास 5th का बच्चा हूँ और मुनाक्स केंद्रीय स्कूल में पढ़ता हूँ. आज हमारे स्कूल में कुछ ऑफिसर्स कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया कि जैसे कि आग किस किस्म की होती है, कितने किस्म की होती है और आग से हमें कैसे बचाया जा सकता है. तो कितना अच्छा लगा जो फायर इमरजेंसी यहाँ पर आई, कितना आपको अच्छा लगा और सीखने में कितना अच्छा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने भी कुछ नया सीखा और जो मेरे दोस्त है बाकी मेरे क्लास में से उन्होंने भी कुछ नया सीखा तो हमें बहुत अच्छा लगा. जब आप घर जाओगे तो आप घर वालों को कहोगे कि जो कि ये फायर इमरजेंसी जो आपको सीखे तो आप घर वालों को भी बताओगे? हाँ जरूरी, मैं घर वालों को भी बताऊंगा और मैं अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बोलूंगा कि वो भी अपने घरों में अपने नेबर्स को इन्फॉर्म करें. तो मैं कहना चाहूँगी कि जो आज ये फायर एक्सटेंशन जो फायर वाले यहाँ पे आए उन्हें फायर फाइटर्स भी कहते हैं, जो कि बहुत ही उनकी जॉब जो बहुत ही वो खतरनाक होती है और इन्होंने हमें बहुत कुछ बोला कि फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा और हम इस बारे में अपने घर वालों को भी बोलेंगे और हम बोलेंगे कि मुनारक स्कूल का जो है बहुत ये यहाँ पे आई हमारे लिए बहुत प्राउडफुल मोमेंट है और थैंक्स फॉर देम थैंक्स टू अस थैंक्स टू देम दैट दे केम टू आवर स्कूल.